शो क्लिप्स में आपका स्वागत है जहां आप झट झट से बहुत कुछ सीख सकते सर सरबजीत के बारे में थोड़ा सा बात कर हाँ बिल्कुल आई वुड अज्यूम कि वो शायद और भी ज्यादा मुश्किल रोल होता है इससे अभी क्लियरली अभी बैक स्टोरी पता चल गई पर सरबजीत ना इतनी ज्यादा हॉन्टिंग मूवी थी कि मैं देख भी नहीं पाया जस्ट द कॉन्सेप्ट वॉज टू हॉन्टिंग आई डोंट नो हाउ यू लिव इट आई

वहाँ पे क्या चल रहा है फिर गाँव के बारे में पूछते थे बच्चों के बारे में बीवी के बारे में उनकी सिस्टर को लेटर लिखते थे वो तो वो बहुत सारी लेटर्स थी तो मैं मैं कहा यार इसको कैसे करें क्या मतलब हाउ कैन आई प्ले अ मैन हू लिवस इन दिस डार्क एक कोट काल कोठरी में इतने साल रहा उसका कैसे करूँ मैं कितने साल रहे वो प्रेजेंट में बाईस साल बाईस इट भी क्या मैं इशू बन गया इंडिया पाकिस्तान के बीच में और तो उसके लिए मैंने बाथरूम में एक तो फ्लश करना बंद कर दिया और मैं बाथरूम की लाइट ऑफ करके जो शावर का एरिया होता है वहाँ पे मैं मैंने चेन मंगा ली थी हाथ और पैर की तो मैं वहाँ पे समय बिताने लगा शुरू शुरू में तो बहुत मुश्किल होती थी थोड़ी देर में मैं बाहर आ जाता था धीरे धीरे मैंने उसको किया कि देखते हैं क्या होता है देखते हैं क्या होता है तो वहां पे मैं चिट्ठियां लिखता था अपने डायरेक्टर उमंग कुमार के नाम जो कि मैंने कभी उसको दी नहीं कि क्या क्या होना चाहिए क्या क्या हो रहा है क्या क्या मैं फील कर रहा हूं तो वो सब मैं उनको लिखता था तो उससे शायद मेरे को काफी आ, हेल्प मिली जब कैरेक्टर के दिल के अंदर घुसने के लिए करते हो सब वही आपका स्टैंडर्ड रूटीन है हर फिल्म के लिए डिपेंड करता है कैसे जैसे अगर जैसे इंस्पेक्टर अविनाश का मैंने रोल किया था तो वो तो अच्छा मजा किया खाते पीते इंसान हैं बहुत ही वाइज भी हैं उनका उनका बोलने का तरीक़ा भी बहुत बढ़िया है तो ऐसे बात करते हैं वो तो वैसे उसमें फिर एक अलग उसमें अलग मज़ा है रोज़ रात को महफिल बताओ वही बात है फिर वो एक्सेंट प्रैक्टिस करने के लिए मैं उनको रिकॉर्ड करता था और फिर रात को जाके सुनता रहता था फिर अगले दिन मैं उससे बात करने की शुरू करता था और शाम को किसी दोस्त को पकड़ के उसी उसमें बात करने की मैं कह ले भाई एक तू भी एक मैं अब सरजीत की फैमिली से मिले सरजीत की फैमिली से तो मैं बहुत क्लोज बहुत क्लोज था मैं उनकी उनके बच्चों से भी मिलता रहता था बच्चे तो क्या बहुत बड़ी हो गई हैं दोनों लड़कियाँ और आ, उनकी सिस्टर से मेरी काफ़ी एक अच्छा बहन भाई वाला रिश्ता बन गया था और उनसे मैं मिलता रहता था जब भी चंडीगढ़ साइड जाता था या दिल्ली आ जाती थी वो कई बारी काफ़ी साल ये सिलसिला चलता रहा उन्होंने सरबजीत सरभजीत के टाइम कहा था कि मैं चाहती हूँ कि रणदीप आके मेरी चिता को आग दे तो जब उनका देहांत एकदम से हो गया तो मैं वहाँ गया और उनकी पूरी फैमिली ने मेरी वेट की आने की और मैं उनको उनका अंतिम संस्कार करके आया सो दैट गोज़ कि मतलब रियल लाइफ से रियल लाइफ का कनेक्शन बन जाता है ऐसे ही मेरा इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा जो हैं अब तो रिटायर हो गए उनके साथ भी ऐसी ही मेरी मित्रता हो गई है काफ़ी अच्छी चाल सोबराज मुझे काफ़ी साल तक वीडियो कॉल करते रहे फ़ोन करते रहे नेपाल की जेल से मैं <laughs> उनसे एक बारी जाके मिला था दूर से ही Uh, उनको मेरी बहुत उनको बहुत मजा आया था मेरे रोल का बोलता है नोबडी नो कुड हैव डन इट बेटर नो यार कुड हैव डन इट बेटर देन यू वन जीपी कै कैसी होती है सीरियल किलर के, के साथ इंटरेक्शन कुछ नहीं सही गाय अच्छा चारों तरफ तो लड़के लड़के लड़ <laughs> वो खड़ा है अब तो उम्र भी हो गई थी उनकी बहुत टोपी पहन के करके आई विल टॉक टू यू आई टॉक टू यू तो उनके साथ भी मेरी काफ़ी इंटरेक्शन हुई तो मैं तो नहीं बोलता था यार क्यों फोन कर रहे है <laughs> <दर लगता था। laughs> नहीं डर वर तो नहीं वो तो वीडियो कॉल करके अपनी सेल दिखाते थे कि कैसे मेरी किताबें रखी हैं टेलीविजन <laughs> होता था बात करते थे ऐसे लेट के ऐसे लेट के पिक्चर विक्चर होने के बाद की बात है ये तो हाँ अगर आप सीरियल किलर का रोल निभा रहे हो

क्योंकि हर सीन में वो मैनिपुलेटिव या किसी ना किसी तो बोलते आई ऑल्सो डोंट नो ब्रो मैं कहा अच्छा ठीक है फिर दैट मेड द कैरेक्टर फॉर मी दैट्स व्हाट यू मे बी ही डजेंट नो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ